नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अब तक देश में 14.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने की बात हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने पहले फेज में कोरोना वॉरियर्स को फ्री में वैक्सीन लगवाई थी, जबकि दूसरे फेज में जो पात्र लोग थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ₹250 में कोरोना वैक्सीन लगवा रहे थे। लेकिन अब आगे शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वैक्सीन ₹250 में लग रही थी उसके लिए भविष्य में ₹1200 तक देने पड़ सकते हैं। सही सुन रहे आप, भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन की नई रेट जारी कर दी हैं, और इन नई रेट्स के मुताबिक कंपनी ने राज्यों के लिए ₹600 प्रति डोज देने की बात कही है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये ₹1200 प्रति डोज के हिसाब से दी जाएंगी। इससे पहले भारत बायोटेक ने सरकार को ₹150 प्रति डोज पर वैक्सीन देने की बात कही थी। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने शुरुआत में कहा था कि हम पानी की बोतल से भी कम कीमत पर वैक्सीन देंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पानी से कम कीमत पर वैक्सीन देने का दावा करने वाली कंपनी ने इसके लिए घी से भी 2 गुने दाम, यानी कि एक डोज के ₹1200 वसूलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कंपनी का तुर्रा यह है कि वो वैक्सीन से मिलने वाली कीमत का इस्तेमाल रिसर्च एंड इनोवेशंस पर खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स की लागत और दूसरे खर्चे निकालने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च आता है। कंपनी का कहना है कि इसके लिए उसे कैश की जरूरत है, तो कुछ ऐसे ही तर्क दूसरी कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी दे रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वैज्ञानिक कृष्णा एल्ला ने पहले पानी की बोतल से भी कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली जो बात कही थी वो केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भरती? क्या कृष्णा एल्ला ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था कि सिर्फ उन्हीं की वैक्सीन पर ही देश निर्भर हो जाए, ताकि वो जब चाहें तब वैक्सीन के लिए देश को ब्लैकमेल कर सकें? क्या ये मान लिया जाए कि भारत में टीका बनाकर भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना काल में भारतीयों को ही लूटना चाहते हैं? क्या ये क्यों ना मान लिया जाए कि एक सौदागर की तरह कृष्णा एल्ला और अदार पुलावाला ने भारत के लोगों को सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया ही समझ लिया है? क्या कृष्णा एल्ला और अदार पुनावाला इस बात का जवाब देंगे कि भारत बायोटेक विदेशों में जो वैक्सीन भेज रही है उसके दाम भारत में उनकी वैक्सीन रेट लिस्ट से कम क्यों हैं? इन दोनों कंपनियों के लिए बातें हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन वैक्सीन को बनाकर दुनिया के 52 गरीब मुल्कों और अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को भेज रहे हैं, वहां पर इसकी कीमत भारत में वैक्सीन की बिक्री की नई लिस्ट से बहुत कम है। अलबत्ता डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल है, इस कदर है कि ये कंपनियां भारत सरकार को वैक्सीन किसी और दाम पर देंगी, राज्यों को किसी और दाम पर और निजी अस्पतालों को किसी तीसरे ही दाम पर। यानी जान बचाने की मजबूरी में ये कंपनियां जिससे जितना पैसा ऐंठ पाएंगी उतना ऐंठने वाली हैं, और कोरोना वायरस की वैक्सीन के इन्हीं दामों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। खासकर 1 मई से शुरू होने वाले फेज 3 के दामों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। फेज 3 में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, आपको सिलसिलेवार समझा देते हैं कि कैसे कोरोना वैक्सीन बनाकर देश की मदद करने का ढोंग करने वाली इन कंपनियों ने आपदा काल में देश के लोगों को ही चूना लगाने का अवसर खोज निकाला है। वैक्सीनेशन फेज 1। दोस्तों 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 16 जनवरी से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। शुरुआत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। पहली ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका की विकसित की हुई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन है वो कोविशील्ड। वहीं दूसरी जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक और सरकारी संस्थान ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन। दोस्तों 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का फेज 1 शुरू हुआ। कहा गया कि सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बाद बाकी देशवासियों को लगेगी। साथ ही केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि वो फेज के टीकाकरण का खर्च खुद उठाएगी, दूसरे फेज का खर्च राज्यों को उठाना था, यहां तक कि वैक्सीन लाभार्थियों के लिए तो मुफ्त ही थी। सरकार को फेज 1 में और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक डोज ₹100 से लेकर के ₹150 की पड़ रही थी।
फेज वन तक केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन के रेट्स बराबर थे। पहले चरण में जिसे भी कोरोना का टीका लगा उससे कोई शुल्क नहीं लिया गया। जो वैक्सीनें खरीदी गई वो केंद्र और राज्यों ने खरीदी, इसके दाम दोनों के लिए बराबर थे। दोस्तों, कोरोना संकट से जूझ रहे देश को उम्मीद थी कि भारत में ही वैक्सीन उत्पादन के कारण अब जल्द ही इस पर विजय पाई जा सकेगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी। फ्री वाली वैक्सीन का दौर अब खत्म होने वाला था और ऐसा हुआ जब जब शुरू हुआ वैक्सीनेशन फेज टू। 24 फरवरी को वैक्सीन फेज टू का ऐलान किया गया। कहा गया कि 1 मार्च से उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो 60 साल से ऊपर हैं। इसके अलावा 45 साल से ऊपर के उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें कोई भी गंभीर बीमारी है। दूसरे फेज के लिए दामों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग था। 10,000 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने पर ये डोज मुफ्त थी। प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने वालों से ₹250 प्रति डोज वसूले जा रहे थे। दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट यानी SII से बात करके कोविशील्ड के दाम और कम करा लिए और अब एक डोज ₹160 के करीब पड़ने लगा, लेकिन कोवैक्सीन का दाम वही रहा ₹100 से ₹150। यहां तक भी केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं था। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे रही थी, राज्य वैक्सीनेशन करा रहे थे। इसी के बाद एंट्री होती है वैक्सीनेशन में कीमत को लेकर नए विवाद की और यह है वैक्सीनेशन फेज 3। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा थोड़ा और बढ़ाया और अब 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के दायरे में लाया गया। गंभीर बीमारी वाली शर्त हटा ली गई, जो कोई भी 45 साल या इससे ज्यादा का था वो वैक्सीन लगवा ले। इसके लिए भी वही बात थी, सरकारी सेंटर्स पर फ्री, प्राइवेट सेंटर्स पर ₹250 प्रति डोज। 24 अप्रैल को ऐलान किया गया कि अब वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू होगा। इस चरण में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे और यहां से केंद्र और राज्यों के बीच रस्साकसी शुरू हो गई। 21 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड के दाम तय किए, जिसमें 28 अप्रैल को फिर से बदलाव किया। अब राज्य सरकारों को ₹300 प्रति डोज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ₹600 प्रति डोज के हिसाब से मिले, लेकिन इस रेट लिस्ट में केंद्र सरकार के लिए रेट का दाम नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया कि उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ₹150 प्रति डोज के हिसाब से मिलती रहेंगी और यहीं से विवाद शुरू हुआ कि एक ही देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। दिल्ली सरकार इस मामले में कहती है कि यह मुनाफा कमाने का वक्त नहीं था। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अपील है कि कीमत ₹150 से तक वो लाएं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम 18 साल से ऊपर के लोगों को फिलहाल 1 मई से वैक्सीन नहीं लगा सकते क्योंकि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी कह दिया कि हमारे पास 4,00,000 वैक्सीन ही बची हैं। अब जब तक कि केंद्र की तरफ से हमें और वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक 1 मई से सबको टीका कैसे लगेगा। चलिए, झारखंड की सरकार भी कहती है कि 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को सरकार ने हाईजेक कर रखा है। हम उनसे पर्याप्त वैक्सीन हमें मिल ही नहीं पा रही हैं, जबकि हम तो पैसा देकर वैक्सीन लेने को भी तैयार हैं। केंद्र को वैक्सीन आवंटित करनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में आता है नंबर राजस्थान का और वहां की सरकार कहती है कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की थी, उन्होंने कहा कि सरकार जितनी वैक्सीन चाहती है उतनी तैयार करने में कम से कम 15 मई तक का समय लगेगा, इससे पहले वो राजस्थान को इतनी वैक्सीन नहीं दे सकते। तो ये एक सिनेरियो बनता है। कई राज्य सरकारें और विपक्षी दल वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दल वन नेशन वन प्राइस की मांग कर रहे हैं, यानी पूरे देश में वैक्सीन की कीमत एक समान होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वे वैक्सीन का दाम निर्धारित नहीं कर सकती। केंद्र ने कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक से वैक्सीन के दामों को कम करने के लिए कहा है ताकि लोग आसानी से इसको खरीद सकें। वही कंपनियों का कहना है कि वो एक करार के तहत केंद्र को कम कीमत में वैक्सीन दे रही हैं,
करार पूरा होने के बाद केंद्र सरकार को भी असल कीमत में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। दाम बढ़ने के बाद सरकारी अस्पतालों में SII की कोविशील्ड का एक डोज 300 रुपए का रहेगा। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के एक डोज के लिए 600 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो वहीं निजी अस्पतालों में कोविशील्ड का एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपए में मिलेगी। केंद्र ने कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक से वैक्सीन के दामों को कम करने के लिए कहा है ताकि लोग आसानी से इसको खरीद सकें, लेकिन इन पर कंपनियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो एक करार के तहत ही केंद्र को वैक्सीन दे रही हैं। करार पूरा होने के बाद में केंद्र सरकार से भी वो बम्पर तरीके से वसूली करेंगे। लेकिन तस्वीर जितनी साफ दिखती है, कहानी उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविशील्ड दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत में सबसे महंगी है। यूरोपियन यूनियन के देश वैक्सीन के लिए 160 रुपए से 260 रुपए प्रति डोज के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक ब्रिटेन एक डोज 225 रुपए में और अमेरिका करीब 300 रुपए में खरीद रहा है। वहीं BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश इसके लिए 375 रुपए दे रहा है। वहीं दोस्तों, यूनिसेफ के कोविड वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब ने सीरम इंस्टीट्यूट को प्रति डोज करीब 395 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है। दोस्तों, विदेशों को सस्ते और भारतीयों को मुंह मांगे दामों पर दवा बेचने वार अड़े सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन के ग्लोबल रेट्स की तुलना करना ही गलत है। कोविशील्ड अभी भी सबसे ज्यादा सस्ती कोरोना वैक्सीन है। शुरुआती दाम कम थे क्योंकि वैक्सीन पाने वाले देशों ने एडवांस फंडिंग की थी, इसलिए भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए वैक्सीन के दाम सबसे कम थे। अब वायरस म्यूटेट कर रहा है, हमें नहीं पता कि आगे परिस्थितियां क्या होंगी। ऐसे में हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन करते रहना होगा, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ सके। खास तौर पर भारत बायोटेक के बदले सुरों के पीछे बिल गेट्स का दबाव होने की बात भी सामने आई है, क्योंकि कृष्णा एला की इस कंपनी में बिल गेट्स फाउंडेशन भी फंडिंग करता है। यानी दोस्तों, भारतीयों के खिलाफ भले ही ये शब्द कृष्णा एला बोल रहे हों, लेकिन इसकी पटकथा किसी और की कलम से लिखी हुई पड़ती है, क्योंकि उसके बयानों में कई बार विरोधाभास दिखाई दिया है। पिछले साल भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा था कि कोवैक्सीन को विकसित करने में सरकार द्वारा संचालित ICMR सहयोग कर रही है, जबकि 21 अप्रैल को एक TV इंटरव्यू में डॉक्टर एला ने ICMR की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने में भारत सरकार उन्हें कोई राशि नहीं दे रही। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अपनी वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल पर उन्हें 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कहाँ खर्च किए, कोई उन्होंने डेटा जारी नहीं किए हैं। हालांकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने पर विवाद पैदा हुआ था। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे कि वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई है, ये सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भारत बायोटेक के MD कृष्णा एला ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। इस बीच वैक्सीन के दामों में अंतर होने के कारण वैक्सीन के दाम और अन्य उपलब्धता को लेकर राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड ने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से सभी को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। वैक्सीन कंपनियों द्वारा दवा के दाम पर मनमानी के बीच 25 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 पन्नों का एक बयान ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि राज्यों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराई गई है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। राज्यों के कहने पर ही 18 से 45 साल वालों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है। 1 मई से शुरू होने वाले फेज के बारे में गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। अभी तक 14.5 करोड़ से ज्यादा डोज राज्यों को दे दी गई हैं। कुछ करोड़ वैक्सीन अभी स्टॉक में हैं। राज्यों को ये वैक्सीन फ्री में दी गई हैं। आगे भी 50% वैक्सीन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाती रहेंगी। बची 50% कॉरपोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी, ताकि वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो सके।
मुझे राज्यों द्वारा शिकायत किए जाने का अब कोई भी कारण नहीं दिखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वैक्सीन के दामों को लेकर दिए गए स्पष्टीकरण से तस्वीर कुछ ज्यादा साफ होती दिखाई नहीं दी है। इसमें लिखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स महीने में जितनी वैक्सीन बनाएंगे उसका 50% केंद्र सरकारों को देंगे, बाकी 50% वैक्सीन वो राज्य सरकारों को या अन्य प्राइवेट संस्थानों को देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि एक और देश में वन नेशन वन इलेक्शन वन इंडिया की तर्ज पर आधार कार्ड वगैरह की पैरवी की जाती है, तो दूसरी तरफ एक महामारी के टीके के अलग अलग दाम रखे जाना भी किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि इसी सीरम इंस्टीट्यूट के कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से पूरा देश इसके साथ खड़ा हो गया, पूरा देश उस अमेरिका से भिड़ गया ताकि इस कंपनी को कच्चा माल मिल सके। इन दोनों ही कंपनियों के ट्रायल्स के लिए भारत के लोग तेजी से आगे आए और इनके ट्रायल में हिस्सेदारी ली और आज ये लोग अब मुनाफा कमाने के लिए बहुत बड़ा मुंह कर चुके हैं और भारतीयों को ही ठगने में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे जो बड़ा एंगल सामने आ रहा है, इन दोनों ही कंपनियों के पीछे जो बड़ा एंगल सामने आ रहा है, वो एक अमीर उद्योगपति और अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स का एंगल सामने आ रहा है, जो दोनों तरफ से स्क्रिप्ट अपनी तरफ से जारी कर रहा है कि कैसे भी अब मुनाफा कमाने का वक्त आ गया है, भारत एक बड़ा मार्केट है जिसपे कब्जा करना है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं और वैक्सीन की कीमत क्या कुछ होनी चाहिए, आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।